यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। और इस वक्त बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर आज केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह का दौरा रहेगा। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में आज केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह का दौरा रहेगा, साथ ही सीआरपीएफ की 79वीं वर्षगांठ परेड समारोह में शिरकत करेंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। कादरपुर में स्थित है सीआरपीएफ का कैंप, जहां पर आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और साथ ही इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस अवेयरनेस गाइड का भी विमोचन गृहमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे और साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि गृहमंत्री का ये दौरा सीआरपीएफ कैंप में रहेगा। और आपको बता दें कि सीआरपीएफ की 79वीं वर्षगांठ परेड समारोह में शिरकत आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे गुलशन ग्रोवर, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। गुलशन, आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे और करीब कितने बजे गुरुग्राम पहुंचेंगे गृहमंत्री? देखिए, कुछ ही देर में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह कादरपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र में एक 79वीं वर्षगांठ परेड समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वो मुख्य अतिथि हैं और कुछ समय में ही वो पहुंचने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ इस समारोह में इस केंद्रीय रिजर्व बल के जो महानिदेशक है राजीव रॉय भटनागर सहित और भी कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सबसे पहले वो आते ही सर्वप्रथम उन्होंने शहीद स्मारक पर जो है माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद परेड ग्राउंड में भव्य परेड की सलामी भी लेंगे। हालांकि इस दौरान कई सैनिकों को यहां सम्मानित भी किया जाएगा और एक इस दौरान इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस अवेयरनेस गाइड का वो विमोचन भी करेंगे। अब थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं, पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सभी यहाँ गुड़गांव पुलिस के भी जो है तैनात है, जवान तैनात है और साथ में जो रिजर्व पुलिस बल के जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है। तो 9 बजे का समय है, 9 बजे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच जाएंगे। जी गुलशन, इसके अलावा यहाँ पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस अवेयरनेस गाइड का विमोचन उनकी ओर से किया जाएगा, क्या ये डिवाइस है, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये जो डिवाइस है ये जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसी का ही एक हिस्सा है और ये क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे और उसके बारे में इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस अवेयरनेस जो है उसके बारे में बताएंगे कि आखिरकार ये क्या है, क्योंकि इस दौरान उनका ये भाषण यहाँ पर भाषण भी है और इस दौरान वो जो यहाँ के जवान है उनको इस बारे में जागरूक भी करेंगे और बताएंगे भी आखिरकार ये डिवाइस क्या है। इसी दौरान ये जो है इसके विमोचन के बाद जो है उनका ये भाषण है, उस दौरान ये बताएंगे कि किस तरह की डिवाइस है और इससे क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, जवानों को किस तरह ये काम में आएगी, इस सारे बारे में जो है केंद्रीय गृह मंत्री खुद बताएंगे। जी, इसके अलावा गुलशन, चूंकि आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं सीआरपीएफ कैंप में और साथ ही आज 79वीं वर्षगांठ परेड समारोह जो है वो सीआरपीएफ का है, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां जो है वो देखी जा रही हैं अभी से? देखिए, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं क्योंकि इससे पहले भी जो भी अभी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी तो उस दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। आज जो है 79वीं वर्षगांठ है, इस अवसर पर भी खुद जो है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और खुद मुख्य अतिथि हैं। तो ऐसे में जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान है वो पूरी तरह से तैनात होते हैं, सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं। इस दौरान जो परेड है वो देखने लायक होती है क्योंकि परेड जो जवान परेड करते हैं उसमें हर तरीके की जो है यहाँ पर कलाकारी जो है जवानों की तरफ से दिखाई जाती है, तो उस तरह की तैयारी जो है पूरी कर ली गई है और जवान जो है यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। जो भी यहाँ पर जवान जो है साहसिक प्रदर्शन करेगा उसको जो है खुद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अवार्ड भी देंगे और इस दौरान कई जो है यहाँ पर फोटो शूट भी जो है यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ किए गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन ग्रोवर तमाम जानकारी के लिए। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे और साथ ही इस दौरान सीआरपीएफ की 79वीं वर्षगांठ समारोह में शिरकत गृह मंत्री की ओर से किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री के इस दौरे से पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है।